फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, हाल ही में राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की तरफ से कुल मिलाकर 1075 वैकेंसीज की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन आया है, जिनमें से जेई इलेक्ट्रिकल के वैकेंसी ही 571 वैकेंसीज है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी को आपको RVUNL जेई इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड सिलेबस और साथ ही साथ उसके लिए बेस्ट बुक्स लिस्ट और साथ ही साथ उसकी जेई एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अंत तक देखना वीडियो और साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, और इस नोटिफिकेशन को अप्लाई करने की लास्ट डेट है फ्रेंड्स 16 मार्च 2021। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन कुछ देर में समझा देता हूँ और फिर आपको प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और बेस्ट बुक्स के बारे में बताऊँगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको वैकेंसीज बता दूंगा। फ्रेंड्स, कुल मिलाकर 571 वैकेंसीज है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वैकेंसीज 571 है। यहाँ पर कैलकुलेट कर चुका हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि RVUN में 245, RVPN में 18, JVVN में 115, JDVVN में 118, वो नॉन TSP एरियाज में। और TSP एरियाज में कि RVUN के में 4 वैकेंसीज, RVPN में 19, AVVN में 43 और JDVVN में 9 वैकेंसीज है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, यहाँ पर रिजर्वेशन भी कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में बटे हुए हैं वैकेंसीज। सो फ्रेंड्स, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए कि फ्रेंड्स कि आपका फुल ईयर ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या तो इलेक्ट्रिकल में, या तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, या तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में, या पावर सिस्टम्स एंड हाई वोल्टेज में, या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, या पावर इंजीनियरिंग, या इक्विवेलेंट आपका BTech या BE होना चाहिए इलेक्ट्रिकल रिलेटेड स्ट्रीम्स में, JE इलेक्ट्रिकल वालों के लिए। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं आने वाले वीडियो में JE मैकेनिकल, JE सिविल, JE कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, JE फायर एंड सेफ्टी के बारे में भी बेस्ट बुक्स और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ज़रूर चैनल सब्सक्राइब करिए, आने वाले वीडियोस में उसके रिलेटेड भी वीडियो डाल दूंगा फ्रेंड्स। और इसका स्टार्टिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है 24 फरवरी 2021 और लास्ट डेट है फ्रेंड्स 16 मार्च 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स भी दिया गया है कि राजस्थान में कई सिटीज़ में एग्जाम सेंटर्स है, साथ ही साथ दिल्ली में भी एग्जाम सेंटर्स है, साथ ही साथ पंजाब में भी एग्जाम सेंटर्स है, आप देख सकते हैं गुजरात में भी एग्जाम सेंटर्स है, महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी। सो इस हिसाब से ऑल इंडिया के लोग इसे एग्ज़ाम को इस नोटिफिकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, डेफिनेटली अप्लाई करिए। सो वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल जॉब्स ट्यूबर। फ्रेंड्स, यहाँ पर सब्सक्राइब जो आपको लाल रंग में दिख रहा है उसे प्लीज़ प्रेस करना और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं हर PSU या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट जॉब्स का अगर नोटिफिकेशन गिरा और अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है तो उसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट बुक्स और साथ ही साथ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बताते रहता हूँ। सो आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता दूंगा, सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा फ्रेंड्स JE वैकेंसीज का। और रिटर्न एग्जाम आपका 2 घंटे का रिटर्न एग्जाम रहेगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब इसका कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर ही होगा। और रिटर्न एग्जाम में क्वेश्चन पेपर 2 घंटे टाइम रहेगा और क्वेश्चन पेपर में 60% वेटेज सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट से ही क्वेश्चन आने वाले हैं। 60% ऑफ द क्वेश्चन इन क्वेश्चन पेपर, मतलब आपका डिग्री लेवल स्टैंडर्ड रहेगा क्वेश्चन पेपर, डिप्लोमा स्टैंडर्ड नहीं रहेगा, डिग्री लेवल ध्यान से देखना है, यहाँ पर लेवल ऑफ डिग्री लेवल का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर रहेगा स्टैंडर्ड। और साथ ही साथ 40% वेटेज रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिक्स, GK एंड जनरल साइंस, हिंदी जनरल, इंग्लिश जनरल, इन सभी से मिलाकर 40% वाले क्वेश्चन आ सकते हैं 40%। और यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया है, मैं आपको बुक्स और साथ ही साथ यहाँ गौर करने की बात है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पेपर सिर्फ हिंदी जनरल हिंदी में जो सेक्शन है उसी के क्वेश्चंस आपको हिंदी में दिखने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में रहेगा फ्रेंड्स, ध्यान रखना हिंदी में क्वेश्चन पेपर नहीं रहेगा, सिर्फ जनरल हिंदी सेक्शन ही हिंदी लैंग्वेज में दिया जाएगा। और बाकी का जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम के क्वेश्चंस है, मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, GK और जनरल साइंस और इंग्लिश जनरल, सभी क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में ही देखने को मिलेंगे, हिंदी में नहीं रहेगा क्वेश्चन पेपर। सो फ्रेंड्स, आपको फिर एक बार समझा देता हूँ, फर्ज करो 100 मार्क्स का अगर पेपर रहा तो उसमें से 60 मार्क्स आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आपको इन 5 सेक्शन से आएंगे। सो आपको मैं इस बार सिलेबस बता देता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टैंडर्ड डिग्री सिलेबस, मतलब जो BTech सिलेबस रहता है वही RVUNL का सिलेबस है फ्रेंड्स, डिग्री स्टैंडर्ड दिया गया है तो यही सिलेबस है। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, कंट्रोल सिस्टम्स, माइक्रो प्रोसेसर्स, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स, और फिर कुछ हद तक कंप्यूटर फंडामेंटल्स से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं।
सो आपको बेस्ट बुक सबसे पहले आपको MCQs प्रैक्टिस करनी पड़ेगी फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग JB गुप्ता पढ़नी चाहिए और फिर इंटीग्रेटेड कोर्स इन प्रैक्टिस करनी चाहिए इंटीग्रेटेड कोर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग RK राजपूत। पर RK राजपूत को स्टार्ट करने से पहले ये एक बार पढ़ लेना, ये बेहतरीन बुक है। VK मेहता ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी बाय VK मेहता, ये बुक प्रैक्टिस करना। सबसे पहले JB गुप्ता, फिर VK मेहता, उसके बाद RK राजपूत प्रैक्टिस कर लेना। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको गेट 25 साल पिछले 25 साल के क्वेश्चन पेपर्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो भी 1 मार्क क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 मार्क्स के छोड़ देनी चाहिए, वो बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेट लेवल के रहते हैं क्वेश्चन। सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। और साथ ही साथ ESC का क्वेश्चन पेपर, जो टेक्निकल क्वेश्चन पेपर है, उसे भी आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स उसके बाद अगर फिर भी आपका, सिर्फ यहाँ पर आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहा हूँ ताकि वो उससे बहुत हद तक काम चल सकता है, पर थोड़े बहुत डेप्थ लेवल वाले क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट वाइज बता रहा हूँ यहाँ इंपॉर्टेंट बुक्स। माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए आपको मेड इजी बुक अगर मिल जाती है तो ऑनलाइन पे आप पढ़ सकते हैं, या कोई PDF आपको मिल जाएगी तो पढ़ लेना। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए PS भीमराव ज़रूर प्रैक्टिस करना ताकि उसमें जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स रहते हैं बहुत ही यूजफुल रहते हैं, और उसके कॉपी कुछ आ जाते हैं या उसके सेम टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए आप JB गुप्ता की बुक पढ़ लेना, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल मशीनरी बाय PS भीमराव, इसे भी पढ़ लेना एक बार। और बेस्ट बुक्स फॉर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स के लिए सिर्फ आपको AK साहनी बुक पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ अगर आपका रिविजन के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट बाय MADC, तकरीबन आप अगर आप AK साहनी पढ़ लिया तो ये बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं MADC वाली। बेस्ट बुक्स फॉर कंट्रोल सिस्टम सिर्फ A नागौर का नहीं पढ़ लेना, और साथ ही साथ MADC क्विक रिविजन के लिए काम आ जाएगी MADC वाली बुकलेट कंट्रोल सिस्टम्स की। पावर सिस्टम्स के लिए आप CL वाधवा पढ़ लेना और JB गुप्ता, दो बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है पावर सिस्टम्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। और सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के लिए नागौरकरनी का बेहतरीन बुक है, और साथ ही साथ उसके साथ साथ आपको MADC के जो बुक्स मिलते हैं सिग्नल्स एंड सिस्टम टेक्सटुअल टाइप के, वो पढ़ लेना। और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के लिए GSN राजू बुक काफ़ी है, EMF थ्योरी एंड ट्रांसमिशन लाइंस। और एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको JB गुप्ता एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बाय JB गुप्ता पढ़नी चाहिए, या और साथ ही साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपको RS सेदा पढ़नी चाहिए। और साथ ही साथ एनालॉग सर्किट्स एंड डिजिटल सर्किट्स के जो टेक्स्ट बुक MADC की होती है वो भी आप ले सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए आपको धनपत राय पब्लिकेशन सर्किट एनालिसिस बाय अभिजीत चक्रवर्ती पढ़ लेनी चाहिए, और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स बाय MADC पब्लिकेशन की बुक भी पढ़ सकते हैं यहाँ। सो ये रहा इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट का फ्रेंड्स। अब GK एंड जनरल साइंस, जो बाकी जो 40% जो जनरल एप्टीट्यूड एंड साइंस के रिलेटेड 5 सेक्शंस है उसके लिए बेस्ट बुक बताऊंगा। GK एंड जनरल साइंस के लिए सिर्फ आपको लूसेंट पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ कुछ हद तक करंट अफेयर्स राजस्थान के रिलेटेड, और साथ ही साथ लूसेंट जनरल नॉलेज बुक भी पढ़नी चाहिए, और साथ ही साथ राजस्थान GK अगर कोई बुक मिल जाती है तो वो पढ़नी चाहिए क्योंकि राजस्थान के रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और साथ ही साथ करंट अफेयर्स ऑफ 1 ईयर ऑफ बोथ नेशनल लेवल और साथ ही साथ इंटरनेशनल, और साथ ही साथ राजस्थान के भी करंट अफेयर्स पढ़नी चाहिए। लॉजिकल रीजनिंग के लिए आपको हाउ टू क्रैक टेस्ट ऑफ रीजनिंग बाय आर्यन पब्लिकेशन पढ़ लेना काफ़ी है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथमेटिक्स के लिए फास्ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक बाय आर्यन पब्लिकेशन पढ़ लेना काफ़ी है। और इंग्लिश के लिए लूसेंट जनरल इंग्लिश पढ़ लेना, और साथ ही साथ SSC MTS के अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर रहे तो प्रैक्टिस कर लेना। और फिर फ्रेंड्स हिंदी के लिए लूसेंट सामान्य हिंदी बुक काफ़ी है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये था वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, और साथ ही साथ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर गवर्नमेंट जॉब्स रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू एंड गुड नाइट।